महर्षि भागवत जी लिखते हैं कि आप जब भी खाना खाएं, दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनकी गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हो। ऐसे ही कुछ विरुद्ध वस्तुओं का लिस्ट मैं बताने जा रहा हूं कि किसके साथ क्या ना खाएं, खाएंगे तो क्या दिक्कत होगा। सबसे पहले दूध और प्याज कभी भी एक साथ ना खाएं। दूध और नमक एक साथ कभी भी ना खाएं, इन दोनों का दोस्ती नहीं है। दूध प्याज दूध नमक अगर खाएंगे तो होगा कि आपको तरह तरह के स्किन डिजीज दिखाई देंगे, जैसे एक्जिमा सोराइसिस ऐसे ही स्किन डिजीज दिखाई देंगे, तो एक साथ ये ना खाएं। दूध और कटहल एक साथ ना खाएं कभी भी। दूध और कटहल जो जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं वो एक साथ कभी भी ना खाएं। दूध और ऐसे भी कोई खट्टा फल जो जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, खट्टा फल जैसे संतरा हो गया मौसमी हो गया ये सब खट्टा फल जितना वो सब दूध के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ सिर्फ एक ही फल दुनिया में एक ही फल है जिसको खा सकते हैं दूध के साथ और खाना भी चाहिए, वो है आंवला। आंवला खाएंगे आंवला खा सकते हैं, बाकी कुछ भी खट्टा फल नहीं खा सकते। अगर आम खाएंगे दूध के साथ, अगर आम पूरा मीठा हो तब जाके आप दूध के साथ खा सकते हैं, वरना नहीं खा सकते आप। शहद और घी कभी भी एक साथ ना खाएं। शहद और घी जब एक साथ मिला दिया जाता है तो ये दुनिया का बहुत खराब जहर बन जाता है, तो कभी भी शहद और घी एक साथ कभी भी ना खाएं। और कुछ भी ठंडा चीज और गर्म चीज एक साथ बिल्कुल ना खाएं, जैसे कि आइसक्रीम खा रहे हैं तुरंत बाद चाय कॉफी वो कुछ ना खाएं, चाय कॉफी पी रहे उसके बाद ठंडा चीज कुछ भी ना खाएं तुरंत। दूध और दही एक साथ बिल्कुल ना खाएं। दही और प्याज एक साथ ना खाएं। दही और नमक उसके साथ मत खाएं। और कटहल की सब्जी के साथ दूध मत खाएं। कटहल की सब्जी मतलब जैकफ्रूट के साथ दूध बिल्कुल ना खाएं। और उसके बाद उड़द की दाल और दही एक साथ बिल्कुल ना खाएं। उड़द की दाल दालों का राजा है, उसको जब भी खाएं अकेले खाएं, दही के साथ बिल्कुल नहीं खाएं। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है, आप जो दही बड़ा खाते हैं वो भी उड़द की दाल से बना हुआ है, तो रेगुलर अगर आप खाएंगे ये आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देगा। अगर 5-6 महीने रेगुलर आप खा लिए तो ये हार्ट प्रॉब्लम भी आ जाएगा, आपका हार्ट अटैक भी आ जाएगा। तो दही बड़ा से बच के रहिए, ना आप खुद खाइए ना मेहमानों को खिलाइए। दही बड़ा अगर खाना है बना के तो फिर मूंग की दाल से बनाइए बड़ा, उसके बाद दही में बघार लगा के वो खा सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल से बिल्कुल नहीं, दही के साथ बिल्कुल मत खाइए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।